अभी तक आपने महंगी से महंगी शराब के बारे में सुना होगा, उसकी कीमत 1 लाख या 10 लाख तक हो सकती है, यह भी जाना होगा। लेकिन जब आपकी सोच से परे शराब की कीमत हो तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, हम बात कर रहे 1 करोड़ में बिकी विस्की की बोतल की। एक सदी पुरानी विस्की की एक बोतल की कीमत 1 करोड़ रुपये है। दुनिया की सबसे पुरानी विस्की की नीलामी 1 करोड़ रुपये से अधिक में हुई है। यह विस्की 160 साल पुरानी है, जिसे इसकी असली कीमत से 6 गुना अधिक दाम पर नीलाम किया गया। 19वीं सदी की यह बोतल अब $1,37,000 यानी 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा में नीलाम हुई। इसे जॉर्जिया के लैंग्रेज में एक जनरल स्टोर में बोतल बंद किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में छपी खबर के मुताबिक ओल्ड इंगलड्यू विस्की को 1860 के दशक में बोतल बंद किया गया था, लेकिन अभी तक बोतल में रखी हुई शराब खराब नहीं हुई है। यह लिक्विड तकरीबन 1 सदी पुरानी है। बताया जा रहा है कि यह विस्की मशहूर फाइनेंशियर JP Morgan की हुआ करती थी। विस्की की बोतल पर एक लेबल लगा है जिस पर लिखा है कि यह बोर्बन शायद 1865 से पहले बनाया गया था, JP Morgan के तहखाने में थी। मॉर्गन की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति में यह मिली। विस्की नीलामी के बाद कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि JP Morgan ने खुद 19 के आसपास इस बोतल को खरीदा था। बाद में उन्होंने इसे अपने बेटे को दे दिया, जिसने 1942 और 1944 के बीच इसे दक्षिण कैरोलिना के गवर्नर जेम्स बायन्स को यह दे दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बोतल की कीमत $20,000 से $40,000 के बीच हो सकती है, लेकिन 30 जून को समाप्त हुई नीलामी में मिडटाउन मैनहट्टन में एक संग्रहालय और शोध संस्थान मॉर्गन लाइब्रेरी को $137,000 में बेच दिया गया था। हालांकि 1 सदी से ज़्यादा पुरानी विस्की को लेकर आशंका जताई जा रही है कि यह अब पीने योग्य है या नहीं, क्योंकि एक बार विस्की की बोतल खुल जाती है तो करीब 10 साल तक यह खराब नहीं होती, लेकिन यह शराब काफ़ी पुरानी हो चुकी है। फिलहाल रिसर्च से यही पता चलेगा कि शराब सही है या खराब हो चुकी है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।